अपनी ब्लॉगर भाभी ब्लॉग शूट करते हुए पकड़ी गई। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गर्मी छुट्टी में मैं अपने मायके आई हुई हूँ और अब मेरा ससुराल जाने का टाइम आ गया है और यहाँ पर जोरों शोरों से हम दोनों बहन की विदाई की तैयारी चल रही है। तो कल की वीडियो में आप लोगों से शेयर की थी ना कि हम लोग की साड़ी की शॉपिंग हुई थी। हालाँकि बहन यहाँ से साड़ी नहीं ली है, बहन मेरी हाजीपुर से ही साड़ी लेगी, इसलिए उसके लिए साड़ी अभी नहीं लिया गया है। और यहाँ पे बनाए जा रहे हैं बिहार की सबसे फेवरेट रेसिपी, जो कि हम लोग के यहाँ छठ पूजा होता है तो ठेकुआ आप लोग जानते हैं ना, जो कि प्रसाद के रूप में सबको दिए जाते हैं, तो वही ठेकुआ अभी यहाँ पे बन रहा है। क्योंकि अब मिठाई तो एक से बढ़कर एक हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन एक ये ऐसी चीज़ है कि है मतलब कहीं भी नहीं मिलती और सबसे ज़्यादा सब लोग इसको पसंद भी करते हैं। तो हम लोग के यहाँ ब्याह शादी हो या कोई भी पर्व त्यौहार हो तो ये बनता है, ऐसा नहीं है कि छठ पूजा में ही ये बनाए जाते हैं, बेटी की विदाई में भी बना के दिया जाता है। तो हम लोग सब लोग मिलजुल के यहाँ पर अभी बना रहे हैं और थोड़ी मस्ती भी, थोड़ी बातें भी और थोड़ी खूब सारी शरारतें भी होंगी, आगे आप लोगों को वीडियो में देखने को भी मिलेगा। और मैं थोड़ा सा ना शॉर्ट में बता देती हूँ आप लोगों को कि ये हम लोग कैसे बनाते हैं। तो मान लीजिए आप 1 किलो अगर मैदा लेते हैं तो फिर उसमें आप 200 ग्राम चीनी ऐड करिए। अगर आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं ना तो फिर आप 250 ग्राम चीनी ऐड कर दीजिए और उसके बाद आप 200 ग्राम घी ऐड करेंगे या रिफाइंड खाते हैं तो रिफाइंड भी ऐड करेंगे। और इसमें थोड़ी सी इलायची का पाउडर ऐड कर दीजिए या नारियल का बुरादा हो तो आप बुरादा ऐड कर दीजिए। और उसके बाद उसको अच्छे से आपको ना मैश करना है, जैसे कि जब तक वो हाथों में बंधने ना लगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना कि हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं ना इसको बनाने के लिए। तो हम सब मिलजुल के यहाँ पर देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए इसको बनाने के लिए ना जैसे कुछ मिलजुल के लोग हो जाते हैं बनाने के लिए तो इसको बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन कोई भी अच्छी चीज़ होती है ना तो उसको बनाने में थोड़ा मेहनत और थोड़ा समय तो लगता ही है, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट भी होती है। और जब लगे कि मैदा में अच्छे से मोयन मिक्स हो गया है, इसकी हाथों में मुट्ठी बंधने लगी है, तो फिर इसमें हम हल्की हल्की पानी का छींटा देके और फिर हम इसको अच्छे से फिर और हम मैश करेंगे। मेरे मोबाइल पे मैसेज आया, वीडियो शूट होने वाला है। जितना हो सके मेकअप कर दीजिए। हम सोचे थोड़ा मेकअप से कब कर लेते हैं उसके बाद जाएंगे वीडियो शूट कराने के लिए, इसीलिए बेचारी को मोबाइल पकड़ा दिया गया है, के पीछे बैठी रहेगी। सब देखा कि ज्यादा सुंदरी है उधर से पकड़ा मोबाइल। ये मेरी माते ढेर सारा काम करते हुए पकड़े गए। ये लेडीज लोग काम करते हुए ये अभी कढ़ाई चढ़ी है गरम करने के लिए और इधर ससुराल ले जाने के लिए गरम हो रहा है अभी। और इधर हम लोग अभी ठेकुआ तैयार कर रहे हैं और जब तेल गरम हो जाएगा तो फिर ठेकुआ अभी बन के तैयार होगा। तो क्या खजूरिया का खजूरिया खजूरिया मतलब बहुत सारे नाम से इसको जानते हैं हम लोग, खजूरिया, खस्ता, ठगुआ और इन लोग का भाषा टिकरी।
टिकड़ी कुछ नया अच्छा ये इधर में तो टिकड़ी बोले हमारा से कहने ठकुआ बोले मैथिली भाषा में ठकुआ वो टिकड़ी बोला जाता है। कैसे बनता है उसको देखिए, भाभी बना रही है, जिसको नहीं आता हो वो सीखिए। मेरी भाभी कितना अच्छा से बना रही है, देखिए मेरी भाभी कितना अच्छा से बना रही है। स्टेप देख लीजिए, पहले ही इसको ये करिए जो भाभी कर रही है, गोल गोल लेके और ऐसे मुट्ठी बांधना है, लोई बनाइए। मेरी बहन सिखा रही है कैमरे के पीछे से। उसके बाद लोई बना के अपने बर्तन में यहाँ पे रखिए साइड में, लोई के खाइए। लोई को नहीं खाना है, लोई को खाइए। उसके बाद ऐसे डिजाइन बनाइए उसकी। ये फ्रेम है शिकार बनाने के लिए, देखने में भी सुंदर लगे और खाने में भी उतना ही सुंदर लगे। हमने ना अभी पूरा डीप जैसे गर्म करना है, जब अच्छे से गर्म होगा ना तभी इसमें ठेकुआ अच्छा बनेगा। और उसके लिए ये थोड़ा सा उसमें डाल के देख रही थी कि गर्म हुआ है कि नहीं। उधर दिखाइएगा तो ना जी, डाल के दिखा रही थी इधर ना। पानी ना लगे, धीरे धीरे हो जाते हैं, एक लकड़ी पीछे करते ना राज हो गई रे। आओ ना छू ना बनाओ ना, तुम्हारा ही तो है सब ठकुआइनी को दे दीजिएगा, सब ठकुआइनी को दे दीजिए। लो ना तुम्हारा, हम छुबे ना करिए। आई तो ना राज हो गई पूरा ठकुआ लेने के लिए। आपको नहीं देगी, आपको आधा हम करे थे, आधा आप ले लीजिए, आधा दोनों बन बांट के। वो कहती है ना पूरा लेम, पूरा लेम का है, पूरा का है लेम। पेट भरा है तुम्हारा, पेट भरा है तो तुम मेरा पेट काहे काटेगी रे। सोच रही है जान तो एक दो दिन पानी खाना उना न बना, मैं ठकुए खा, ठकुए खाए है ना, होशियार है, होशियार है। हो ना रात का भोजन करके जाएगी, पूरा वसूल के अच्छे से जाएगी वो, जैसे बचल खुचल है बांध देंगे, बचेगा ना तो मोटरियो बांध देंगे, मोटरियो बांध आज बचेगा तो मोटरियो और बांध देंगे। 9 बजे रात नाश्ता नहीं बनाना पड़े। और ये देखिए ठेकुआ भी अब निकल चुका है, लिट्टी बना देव रात में ना बनाते। और यहाँ पे इतनी सारी लोई तैयार हो गई है, बना है तब से चिल्लाए जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी, हमको मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, मिला ना तुमको? बहुत नीक है, बहुत नीक है, खाओ बन गया, खाओ आके। क्या है भाभी? जलावन के लिए काट रही हो? जलावन काट रही हो? जलावन के लिए देखिए जलावन काट रही है। कितना जंगल में घुस के काट रही है बताइए, हम लोग को लगेगा कि सांप है, बिच्छू है। ये लड़की को देखिए, इसको बना के खिला दिए हैं तब गई है ठकुआ बनाने के लिए। उस समय से नाराज होके बैठी थी कि हमको पहले खिलाएगी तभी बनाएंगे, है ना? अच्छा लगे ना खाने के, इसलिए बनाने आए कि फिर बनाएंगे फिर खाएंगे। हम नहीं बना रहे थे तो सिर्फ हमको एक दिखाने के लिए, इसलिए हम आए बनाने के लिए कि बनाएंगे भर पेट खाएंगे। कितना अत्याचार हो रहा है इस लड़की पे, इसीलिए कल जा रही है यहाँ से। इसको भी साथ में लेके जाएंगे, हमको भी साथ में लेके जा रही है, साथ में लेके आई है, साथ में लेके भी जाएगी। बहुत बड़ी दुष्ट है ये लड़की। भाभी आपको तो एकदम मजा आ रहा होगा, खुश हो रही होंगी कि दोनों बला एक साथ निपट जाएगी।
खूब ठकुआ खाएंगे है ना जा। ये देखिए यहाँ ठकुआ का खुशबू दूर दूर तक जा रहा है, इनके घर तक भी चला गया था। सुगंध लेके हम भी आ गए, सुगंध लेने के ही आ गई हैं। मतलब रीता पहले से ही नाराज चल रही थी कि हमको ठकुआ कम मिल रहा है, ऊपर से हम भी आ गई हैं। ऊपर से ये भी आ गया, सब चल गए। दादी दादी ऊपर है, अरे नहीं बेटी है से जया के दया माय के दादी जो दादी हो गया, जल्दी से दो रूम में चले जा। बाबा बाबा तो पूछिए तो कोई आया नहीं है। कन्या बोली थी हां, हम कल ले बोले थे फोन करके, देखिए ना। और भाभी यहाँ पे सबको नाश्ता सर्व कर रही है। भाभी क्या बनाई है? मैगी बनाई है, मैगी। ये देखिए बच्चों की हो रही है यहाँ पर पार्टी, मैगी पार्टी। आयुष क्या खा रहे हो? भूखा तो धक धक काम कर सबके, इसीलिए मैगी खा रही है। अरे ब्लॉगर भाभी ब्लॉग शूट करते हुए पकड़ी गई। दो ब्लॉगर यहाँ पर आपस में टकरा रहे हैं। देखिए ये अपना वीडियो शूट कर रही हैं। ये देखिए और यहाँ ठेकुआ बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था, तो शाम को ही हम लोग स्टार्ट किए थे बनाना, लेकिन यहाँ अब रात हो चुकी है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। और कल सुबह सुबह ही मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ जाएंगे। वैसे मेरी कल का ही टिकट है वापस जाने का, और बहन भी मेरे साथ ही जा रही है, क्योंकि बहन मेरे साथ आती भी है और साथ जाती भी है। और ठेकुआ बनाने के बाद हम लोग खाना खाए, खाना खाने के बाद यहाँ पर हम लोग अब सोने जा रहे थे, तो सोने से पहले यहाँ पर हम लोग हाथों में मेहंदी लगा रहे हैं। और बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि जब मैके आने का टाइम होता है तो अंदर से खुशी सी होती है कि सबसे मिलेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे, और ये टाइम कैसे निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। और जब वापस जाने का टाइम आ जाता है तो अंदर से मन बहुत मतलब उदास सा हो जाता है कि फिर से सब कुछ छोड़ के और फिर वापस जाना है हमें। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक का था, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग बिहार से हैं वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़।